दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक संजय में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्वालिटी इंजीनियर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसका क्या क्या रोल होता है इन कंस्ट्रक्शन फील्ड में, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करें कि एक क्वालिटी इंजीनियर को क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में और काम कर रहे हैं तो आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए आपको फील्ड क्वालिटी जो भी फॉर्मेट में होगा वो आपको फर्स्ट में RFIC देना पड़ेगा, मतलब रिक्वेस्ट फॉर इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट फॉर नोटिस, ऐसा करके आपको एक प्रोटोकॉल आता है, उसको आपको फर्स्ट में आपको वो राइज करना पड़ेगा। आपको जाके इंटरनली चेक करना पड़ेगा और उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स है वो भी आपको जानकारी होना करना पड़ेगा कि क्या क्या मेरे प्रोडक्ट में डिफेक्ट है। और नेक्स्ट में और कोई भी नया नया बैच का कोई भी मटेरियल आता है का साइट पे, उसका भी इंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रोड हो, इलेक्ट्रोड्स हो, पेंट्स हो, और बहुत सारा मटेरियल स्टील्स आएगा तो उसका भी आपको IMR बनाना पड़ेगा और उसका भी इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। उसका MTC चाहिए, IRM चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको, चलिए पाइपिंग में मैं पाइपिंग के रिलेटेड कुछ बात करता हूँ। और आप पाइपिंग में काम कर रहे हैं तो पाइपिंग में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फिटअप इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और कोई भी मटेरियल आता है उसका IMR कराना पड़ेगा। मीन्स अगर फिटअप करने के पहले आपको वो मटेरियल का IMR कराना पड़ेगा। आपको MTC चाहिए, IR चाहिए, IRN चाहिए, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करके और वो मटेरियल का पहले IMR क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आता है आपको इंस्पेक्शन, मीन्स फिटअप इंस्पेक्शन। अगर मटेरियल को आपको ड्राइंग से के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा वो मटेरियल में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है फिटअप में। आपको एल्बो है, पाइप है, कौन कौन सा मटेरियल अवेलेबल है वो आप फिटअप कर लिए। उसके बाद आपको फिटअप इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, मीन्स आपको फिटअप का में रूट गैप कितना रखना है और रूट फेस में और उसका बीवल कितना डिग्री में बनाया है वो चेक करना पड़ेगा। वो एस्टेटनेस चेक करना पड़ेगा, वो एस्टेट में है या 90 में, एल्बो लगाया तो 90 में है नहीं है, या 45 कौन सा एल्बो आ रहा है, कौन सा मटेरियल आ रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट में नेक्स्ट ये फिटअप इंस्पेक्शन कर लिए, उसके बाद आपको फिटअप इंस्पेक्शन के बाद आपको वेल्डिंग का परमिशन दे दिया। बस वेल्डिंग में एक कंडीशन है, आपको UKT करवाना पड़ेगा। UKT मीन्स एक प्रकार का इलेक्ट्रोड क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है जो एक लैब से करवाना पड़ता है। लैब का टेस्ट होता है वो उधर उसमें फॉलो करता है और उसका एक रिपोर्ट आता है। उससे इलेक्ट्रोड का जो क्वालिफिकेशन टेस्ट है वो क्वालिफाई होता है। उसके बाद वो टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और कंडीशन है, आपको WQT करवाना पड़ेगा, मतलब वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट। उससे क्या फ़ायदा होगा, जो भी वेल्डर आपके साइट पे जो भी वेल्डर हैं वो सक्षम हैं या नहीं है उस वेल्डिंग के लिए, मैंने सक्षम है कि नहीं है वेल्डिंग, जो जो वेल्डिंग है उसको मारने के लिए वो सक्षम है नहीं है वो भी आपको पता करना पड़ेगा। और अगर वो आपको वेल्डिंग में रूट में पास हो जाते हैं और विजुअल क्लियर हो जाता है, उसके बाद RT में भी पास हो जाते हैं, तो तभी वो वेल्डर आपका जो फिटअप आप करके रखे हैं तभी वो वेल्डिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये वेल्डिंग क्वालिफाई हो गए, उसके बाद आपको वेल्डिंग आप फिटअप के बाद वेल्डिंग आप कर दिए, उसके बाद आपको उसको क्लीनिंग करके विजुअल करवाना पड़ेगा। मीन्स विजुअल में वेल्डिंग को जो भी स्पेटर होंगे और जो भी थोड़ा सा वेल्डिंग को आपको क्लीन करके आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वेल्डिंग और क्लीन कर लिए, उसके बाद क्लीन कर लिए उसके बाद उसको इंस्पेक्शन कराएंगे। उसमें आपको दो प्रोटोकॉल लगेगा, फर्स्ट में फिटअप का प्रोटोकॉल बना लिए हों तो फिटअप इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वेल विजुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, वो बनाएंगे। उसमें आपको जो भी आपका साइट पे जो भी इंस्पेक्शन टीम रहेगा वो आपको इंस्पेक्ट करेगा, जो भी आपका क्लाइंट रहेगा वो इंस्पेक्शन करेगा। उसके बाद आपको वो स्पूल को या पाइप को आपको
आरटी के लिए ऑफर देना पड़ेगा। आरटी बना आरटी रिपोर्ट आरटी ऑफर रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद उसका जो भी है आपका जो भी जैसा जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप फॉलो करेंगे। देन वो पाइप को आप आरटी हो गया उसके बाद उसका जो आरटी वो रिसीव करेंगे, उसके बाद वो उसका इंटीग्रेशन करवाएंगे। वो ज्वाइंट में क्या कोई कोई अगर कुछ 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 प्रॉब्लम आता है ज्वाइंट में तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको उस एट ए टाइम उसको सॉल्व करना है। और उसके बाद जब ये सब प्रोसेस हो गया उसके बाद जो इस पूरा बनाए हैं उसका इरेक्शन कर लिए। इरेक्शन करने के बाद लास्ट प्रोसीजर आता है हाइड्रो टेस्ट। मीन्स हाइड्रो टेस्ट मीन्स कोई भी स्पूल को हम जब हाइड्रो टेस्ट करते हैं उसका ड्राइंग में हमको चेक करना पड़ता है उसका हाइड्रो टेस्ट प्रेशर कितना दिया है, अप्लाई करके हाइड्रो टेस्ट करना पड़ता है। वो फर्स्ट लास्ट वर्क रहता है ये क्वालिटी का। नेक्स्ट जब हाइड्रो टेस्ट हो गया उसके बाद हमको मैकेनिकल क्लियरेंस करवाना पड़ता है। मैकेनिकल क्लियरेंस मीन्स जो भी पॉइंट होगा, मान के चलिए कोई सपोर्ट और वेल्डिंग, उसमें सपोर्ट वेल्डिंग मार दिया, पाइप का जो सपोर्ट लगाए हैं वो प्रॉपर है लगा है नहीं है, और ड्राइंग के हिसाब से वो सपोर्ट सब चीज़ सही है नहीं है, वो आपको उस पर चेक करेंगे लोग। और उसके बाद आपको वो पूरा लाइन को वो लाइन क्लियर हो जाएगा। यही लास्ट वर्क रहता है और तब वो लाइन आपका पूरा क्लियर हो गया। मतलब लास्ट तो मैकेनिकल एमसी जब करवाते हैं हम उसमें एमसी बोलते हैं उसका मैकेनिकल क्लियरेंस, ठीक है। ये क्लियर हो गया उसके बाद आपका काम लास्ट खत्म हो जाता है। और चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।